हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी बहुत ही अच्छे होंगे। डिलीवरी होने से पहले, एक हफ्ते पहले, दो हफ्ते पहले, या फिर कुछ दिन पहले, या फिर कुछ घंटे पहले, हमारी बॉडी में क्या क्या होने लगता है, हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आने लगते हैं, जिससे ये पता चले कि बच्चेदानी का मुँह खुल रहा है या फिर नहीं। जब तक बच्चेदानी का मुँह टाइम से ओपन नहीं होगा तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी असंभव है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो ये जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डिलीवरी होने से पहले क्या क्या बॉडी में होता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन कौन से सिम्टम दिखाई देते हैं। तो ये वीडियो देखना हर एक गर्भवती महिला के लिए ज़रूरी है, ताकि आप समय रहते सब कुछ समझ लें और टाइम से हॉस्पिटल भी पहुँच जाएँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से समझिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकती हैं, हम रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। और प्रेगनेंसी से जुड़ी हर एक वीडियो देखना चाहती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन कॉल पर ज़रूर दबा लें। आइए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी का नौवां महीना स्टार्ट होते ही कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि आपकी डिलीवरी कब हो जाए, किस वक्त हो जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, डॉक्टर आपको ईडीडी देते हैं जब आप नौवें महीने में दिखाने जाएंगे, या फिर आठवें महीने के लास्ट में जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो वो आपको ईडीडी ज़रूर देंगे, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आपकी डिलीवरी कब होगी। ओके, नौवां महीना स्टार्ट होते ही आपकी डिलीवरी कभी भी किसी वक्त हो सकती है, ईडीडी के आगे भी थोड़ा हो सकती है, पीछे भी हो सकती है, ठीक है। ये एक अनुमानित डेट होती है, ईडीडी मतलब एक अनुमानित डेट होती है, इससे हम थोड़ा अनुमान लगा लेते हैं, हाँ इसके आसपास हो जाएगी। तो आपको ईडीडी तक इंतज़ार करना है, जब आपकी ईडीडी निकल जाए, दो चार दिन एक्स्ट्रा हो जाए, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, ठीक है। आइए सबसे पहले हम आपको कुछ हफ्ते पहले के लक्षण बताते हैं जो डिलीवरी होने का साफ साफ संकेत देते हैं। नौवां महीना स्टार्ट होते ही काफ़ी चेंजेस, काफ़ी बदलाव भी बॉडी में देखने को मिलते हैं। बार बार यूरिन आती रहती है, लीक भी हो जाती है कई महिलाओं की। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि निचले हिस्से पे बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा दबाव बनने की वजह से बार बार यूरिन आने की समस्या हो सकती है, क्योंकि बच्चे का जो सिर होता है वो निचले हिस्से में आने लगता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। बार बार लूज मोशन की दिक्कत भी हो सकती है, कुछ भी खाएंगी तो पचाया नहीं जाएगा, आपको बार बार लैट्रिन जाना पड़ सकता है। तो ये लक्षण आपको कुछ हफ्ते पहले दिखाई दे सकते हैं। कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले आपको फॉल्स लेवर पेन की दिक्कत भी हो सकती है। फॉल्स लेवर पेन, लेवर पेन नहीं होता है, मतलब फॉल्स लेवर पेन आपको रुक रुक के दर्द आते हैं, लगातार नहीं आते हैं, कभी दर्द होगा फिर बंद हो जाएगा, कभी कभार होने लगता है लेकिन बंद हो जाता है, तो समझ लीजिए ये फॉल्स लेवर पेन है, ठीक है। इनसे साफ साफ संकेत मिलता है कि आपकी डिलीवरी बस कुछ दिनों में या फिर कुछ हफ्तों में हो जाएगी। ओके, अब मैं आपको कुछ घंटे पहले के लक्षण बताती हूँ, जिसे आपको नज़रअंदाज नहीं करना है और ऐसे लक्षण दिखने पर आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। सबसे खास लक्षण है वो है डिस्चार्ज होना। काफ़ी महिलाओं के साथ ये चीज़ें होती हैं। अब ज़रूरी नहीं है आपको दर्द जब स्टार्ट हो तभी आप हॉस्पिटल जाएं, जब प्रेशर पीड़ा स्टार्ट हो तभी आप हॉस्पिटल जाएं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। काफ़ी महिलाओं को दर्द बिल्कुल होता ही नहीं है, मतलब लेबर पेन पहले नहीं होता है लेकिन उन्हें डिस्चार्ज की समस्या होने लगती है, जिसे म्यूकस प्लग बोलते हैं। म्यूकस प्लग गाढ़ा, चिपचिपा, थोड़ा बदबूदार भी हो सकता है, लेकिन गाढ़ा थिक होता है, एकदम गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा अजीब भी लग सकता है, थोड़ी मतलब घबराहट भी हो सकती है और आपको थोड़ा गंदा भी लग सकता है, गंदा फील भी हो सकता है। आपको समझना पड़ेगा कि ये म्यूकस प्लग है, गाढ़ा चिपचिपा जेली जैसा पदार्थ अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है तो समझ लीजिए बच्चेदानी का मुंह जो है वो खुलने लगा है, स्टार्ट हो चुका है खुलना। और ऐसे में आपको ज़्यादा समय नहीं बिताना है घर पर, आपको हॉस्पिटल जाना है तुरंत, ठीक है। नेक्स्ट है पानी की थैली का फूटना, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसमें बच्चा गर्भ में विकसित होता है, एक पानी की थैली में पैक होता है, जब वो जो लिक्विड होता है जब वो फूट जाता है, पानी की जो थैली होती है जो फूट जाती है, तो बहुत सारा पानी लीक हो जाएगा आपके प्राइवेट पार्ट से। तो समझ लीजिए पानी की थैली फूट चुकी है और आपकी डिलीवरी कुछ घंटों में ही हो जाएगी। तो ये लक्षण भी नज़रअंदाज नहीं करना है गर्भवती महिलाओं को, जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल जाना है। नेक्स्ट है कमर में तेज दर्द की समस्या होना, तेज दर्द हो रहा है, बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहा है, आप आराम भी कर रही हैं तब भी आराम नहीं मिल रहा है, कमर में दर्द इतना बढ़ चुका है, तो समझ लीजिए ये लेवर पेन का संकेत है, ऐसे में भी आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए।
अब सबसे खास एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कॉन्ट्रैक्शन आना लगातार। मैंने आपको पहले बोला था फॉल्स लेबर पेन जो कि रुक रुक के आ सकती हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन लगातार अगर आपको आ रहे हैं, दर्द जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, दर्द कम नहीं हो रहे हैं, तो समझ लीजिए ये जो है ये लेबर पेन है, यानी कि डिलीवरी होने का खास लक्षण है। जल्दी से हॉस्पिटल जाना चाहिए जब आपको प्रसव पीड़ा तेज़ी से हो, और रुक रुक के ना हो, लगातार हो रही है प्रसव पीड़ा, तो समझ लीजिए आपकी जो डिलीवरी है वो कुछ घंटों में हो जाएगी। ये लक्षण आप नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, बहुत ही खास लक्षण हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।